सबसे ज़्यादा यूज़ थे ये तीन शेड जो कह रही है ना, ये इसमें ये मजंडा और मैरून और पिंक शेड ज़्यादा जो है ना वो यूज़ की हैं मैंने। और इसका ये शेड लगा के खूबसूरत बड़ा लगता है। और मुझे वैसे भी इतनी लिपस्टिक जो है ना वो शाइन वाली पसंद नहीं है, मैं मेटल ज़्यादा यूज़ करती हूँ तो। लेकिन ये जो है ना ये खुश्क होती है, इसको लगा के आप हल्का सा ऊपर लिप ग्लॉस लगा लें तो ये बड़े अच्छा जो है ना आपको साथ इसका मैचिंग भी बड़ी अच्छी होगी। ये वाला कलर बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत कलर है जी। तो उम्मीद है आपको वीडियो का मज़ा आ रहा होगा, साथ साथ आप म्यूज़िक को भी इंजॉय कर रहे होंगे जो मैंने थोड़ा थोड़ा सा लगाया है। तो बस ये एक कोशिश की है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये ज़रूर पसंद आएगी। ये दोनों शेड हैं, ये लाइट है और ये डार्क है। बस ये मैं उसको शौक था, मैंने बस उसको बोला कि ये डिस्प्ले पे बस लगा के दिखाती जाओ। बस उसको उस टाइम मज़ा आ रहा था, मामा ये ऐसे लगा के दिखाओ, मैंने कहा चलो जी ऐसे लगा के दिखा लो। तो वैसे भी बच्चे लेट नाइट डिस होते हैं तो ये वीडियो जो ये बनाई थी मैंने काफ़ी लेट नाइट, और बस इसको बनाया और साथ वो फन भी कर रही थी तो उसने तो बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो बना ली थी, मैंने स्किप कर करके बस छोटी की है। तो फिर भी ये हो सकता है अगर आपको ये वीडियो बड़ी लग रही है तो आप टू स्टेप में देख ले तो आपको बड़ा मज़ा आएगा। मुझे तो उम्मीद है कि आप पूरी देख के इसको छोड़ेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है क्योंकि ये बहुत मज़े की है। और मैंने खुद भी इसको ना बनाने के बाद काफ़ी दफ़ा इसको देखा, मुझे खुद बड़ा मज़ा आ रहा था। और ये फेस पाउडर है तो ये दो तीन स्टेप में है, डार्क है लाइट है। जो दूसरी किट में ये वाला मैं यूज़ करती हूँ ज़्यादा, जो बाकी हैं वो वाले ज़्यादा डार्क हैं, ज़्यादा फेयर कलर पे जन सूट करते हैं और मैं वो नहीं लगाती। ये बहुत ज़्यादा चेहरे को ना सफ़ेद कर देते हैं, ये वाले मैं नहीं लगाती। लेकिन इसमें चारों में एक शेड अच्छा है जो कि मैं यूज़ करती हूँ तो इसलिए वो था तो मैंने वो दिखाई। ये बड़ा अच्छा इसका मुझे, ये भी मैंने ऑनलाइन मंगवाया था और ये मेकअप अच्छा था। पूरी ये एक किट थी, साथ वो लिपस्टिक थी तो ये मैंने मंगवाया था। ये वाला कलर जो है ये अच्छा है और ये हल्का सा शाइन में है, ये नाइट फंक्शन में बहुत ज़बरदस्त लगता है। ये देखिए ये सारी किट मैं दोबारा से आपको दिखा रही हूँ, ये सारी किट है मेरे पास। ये देखिए ये लिप ग्लॉस जो है वो हैं किट वाले, और ये आई शेड किट, ब्लश एंड किट, आई शेडो किट, हाईलाइट किट, जीरो मेकअप, ये सारा जो है ना ये डिस्प्ले पे आपको दिखा रही हूँ कंटूरिंग वाला। तो अब मैं आपसे शेयर करूँगी जी अपना वो लिपस्टिक है और जो मैं बेस वगैरह रखी हुई है वो ब्रश और जो पेंसिल वगैरह हैं, लाइनर मस्कारा, फिर नेल पॉलिश, फिर रिंग वगैरह, तो बहुत कुछ था। तो मैंने सारा कुछ एक वीडियो में बनाने की कोशिश की है कि सारी मैं एक वीडियो में लगा के दिखाऊंगा। तो उम्मीद है कि मेरे दोस्तों को ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। ये किट रह गई थी मैं साइड में, वो भी दिखा रही हूँ आपको, देखिए आप वो भी ये कितनी सारी। अब मैं आपको दिखाऊँगी जो लिप ग्लॉस है मेरे पास, ब्रश है और बेस है और लिप पेंसिल है और ये टैटू वगैरह जो बच्चियाँ लगाती हैं वो प्लकर है, ये सारा कुछ है जो मेरे पास वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये साथ साथ आप देखिए और साथ साथ म्यूज़िक को एंजॉय करें। साथ साथ मैं म्यूज़िक इसलिए लगा रही हूँ कि बस इसमें आपको अब बताऊंगी मैंने कि क्या मैंने चीज़ें किधर से। ये मैं लिप शाइनर का पेंसिल वगैरह तो ये है कि जब भी मैं मेकअप करती हूँ तो मैं लिपस्टिक से पहले आउटलाइन ज़रूर लगाती हूँ, उसके बगैर मुझे लिपस्टिक का ठीक नहीं लगती, वो लगता है जैसे फैल गई है। तो मैंने ज़रूर लिपस्टिक ये पेंसिल लगानी होती है, आप भी कभी ट्राई करें। तो ये बीबी जो है ना क्रीम है फेयर एंड लवली वालों की, और ये जो है ना सुपर स्टे 24, ये बेस बड़ी अच्छी है, बदतम होने वाली मिलनी लगी। ये मैक वालों की है, ये लोरियन वालों की है, ये मैक वालों की जो है ना बहुत ही अच्छी है। तो ये आईलाइनर हैं, उसमें लिप ग्लॉस हैं, लिप शाइन वो लिप पैप जो बनी हुई है कलरफुल सी जो आई शेड है वो हैं। तो सारा कुछ बस मैंने इकट्ठा रख दिया है, मैंने कहा चले ये जो है ना उसके नेक वालों के मैंने ब्रश लिए हैं, ये इनके बहुत सॉफ्ट है, ये जो लहदा से ब्रश लिए हैं, ये काजल हैं, ये सारा कुछ जी मैंने कहा आपको दिखा देती हूँ। इसमें जो आईलाइनर है ना कलरफुल से, ये सिल्वर और पिंक और ब्लू वाला, तो ये मैं उधर से जब गई थी मैं मरी उधर से लाई थी, तो ये इतने अच्छे इसके शेड थे तो मुझे बड़े पसंद है, लेकिन इसके बाकी कलर इतने मज़े के नहीं थे। ये दोनों जो क्रीम है ना बीबी क्रीम, ये मैं यूज़ करती हूँ, और ये बेस बहुत ज़बरदस्त है ये वाली। तो ये बाहर से आई थी, ये मेरे भांजे ने भेजी थी मुझे, तो ये मैक वालों की हैं और ये मुझे इसकी बहुत अच्छी इसकी बेस लगती है, पता भी नहीं चलता कि आपने बेस लगाई हुई है। ये देखिए कितने अच्छे से बिल्कुल ना आपकी स्किन में चली जाती है, बिल्कुल ऐसे नहीं लगता कि चेहरा अलग से लग रहा हो जी ऊपर कुछ लगाया हुआ। जब ऊपर आप मेकअप करेंगे बहुत अच्छी इसकी
जो है ना वो लुक आती है। ये दूसरा जो मैं आपको बोल रही थी 24 वाला, ये भी बड़ा अच्छा है, ये बस ख़त्म होने वाला, ये मिल नहीं रहा अभी मुझे, तो मैं मंगवाऊँगी फिर, तो ये आपको दोबारा दिखाऊँगी। ये काजल है मेरे पास दो तीन तरह के, तो इससे आप स्मोकी मेकअप जो आई मेकअप करते हैं वो भी कर सकते हैं, काजल के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। तो ये दो है मेरे पास। ये मेरी बेटी सास बता रही थी, उसको बड़ा मज़ा आ रहा था, वो ये पहले उधर कमेंट्री वो करिए, बाद में मैंने वॉइस रिकॉर्डिंग की है। तो ये वाले जो है ना, ये शेड मैं आपको कह रही थी मैंने मरी से लिए हैं, और ये बहुत ही ज़बरदस्त इसका ना गोल्डन शेड है, ये वाला बिल्कुल ये उतरता नहीं है, जैसे वो मोटा मोटा सा है तो लगता है ना उतर जाएगा, ये उतरता बिल्कुल नहीं है, बड़ा अच्छा लगता है। तो जब इसको आप रिमूव करते हैं लोशन वगैरह साथ, तो फिर उतर जाता है जल्दी। और ये देखें, ये लाइनर था कलरफुल सा, एक मैंने पर्पल और एक ब्लू लिया था, और ये पील ऑफ है, ये आप ऐसे खींचेंगे उतर जाएगा बड़ा इजीली। तो बड़ा अच्छा शेड था ये वाला दोनों, तो फिर मैंने ये दो शेड जो है ना जो ये मैंने लिए थे, ये मरी से लिए थे ये लिप शाइनर मैंने। ये भी देख लीजिए कि कलर भी कितना ज़बरदस्त, जब आप लाइनर लगाते हैं ना बारीक सा ब्लैक, और साइड पे कॉर्नर पे ये वाले शेड आप दो एक मतलब एक ही लगाएंगे ना जाहिर है, तो लगाएं तो बड़ी अच्छी इसकी लुक आती है और बहुत ही अच्छे लगते हैं ये। ये बता रही है आपको कि आप अभी ये ना गीला था, तो अभी आपको उतार के दिखाएगी। ये भी लिप ग्लॉस है बड़ा ज़बरदस्त, ये मैं वो चीज़ें आपको दिखा रही हूँ जो मैं अक्सर यूज़ करती हूँ ज़्यादा। तो ये आप सिंपल आपके घर में जब कोई मेहमान आए तो बहुत ज़्यादा तैयार बंदा सही नहीं लगता ना, तो आप जी थोड़ी सी बीबी क्रीम लगाएं, तो ये हल्का सा ये लिप्स देखें ये कितना ज़बरदस्त शेड है इसका, ये पीच पीच पिंक शेड है, तो आप इसको लगाएं, तो आप इसको ब्लशर के तौर पर भी हल्का सा लगा सकते हैं, तो बड़ा ये मज़े का कलर लगता है पिंक पिंक सा। तो ये ब्रश हैं, इसमें मैंने बाकी ब्रश भी रखे होते हैं, तो इनके ब्रश बड़े सॉफ्ट होते हैं, तो ये मुझे इसका नेक पलों के जो ब्रश है बड़े पसंद हैं, बाकी के ब्रश जो हैं ये आई शेड के लिए, तो ये भी मैं इसी में रख देती हूँ। तो मेकअप आप जब भी लें उसको अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करें, उसको अलग ठीक तरीके से रखें, ये नहीं कि ज़्यादा मेकअप है तो आप इधर उधर फेंक रहे हैं जी, ख़राब कर रहे हैं, तो जाहिर है जी ध्यान से इसको रखना चाहिए ताकि जब भी आप यूज़ करें तो अच्छी हालत में आपको मिले। तो ज़्यादा मेकअप ला के रखना भी अगर आप देखें कोई इसमें कोई जैसे लिपस्टिक का वो स्मेल हो जाती है उसको आप फेंक दें, यानी कि जमा कर दें, ये सारा मेकअप मेरा बिल्कुल ठीक वाला है, तो वो मैं आपको दिखा रही हूँ। इसमें से जब किसी भी लिपस्टिक की थोड़ी सी भी शेड वो क्या कहते हैं उसकी स्मेल एक महसूस होती है, उसको आप बिल्कुल चूज़ नहीं करें क्योंकि वो आपकी स्किन के लिए ठीक नहीं है। और ये जी आजकल बच्चियों को पिछले दिनों में ये वाले टैटू बहुत ज़्यादा इन थे, तो ये इन्होंने 6 का पैक मंगवाया था, अब 4 इनके पास रह गए हैं, तो ये बस लगा के जी देखने में बहुत डार्क लग रहा है, तो ये इसके साथ प्लकर पकड़ा हुआ है जो पलके लगाते हैं तो उसको ठीक करने के लिए। तो अभी जो उसने वो आपको टैटू लगाया तो उसको उतार के भी दिखाएगी, तो उसके नीचे पिंक कलर आ जाता है बड़ा अच्छा सा, इतना डार्क नहीं हो रहता। तो साथ साथ समेट रहे हैं ये चीज़ें हम, इसलिए कि साथ साथ समेटते रहे क्योंकि इसके बाद मैं आपको नेल पॉलिश दिखाऊंगी, फिर आपको बैग दिखाऊंगी। तो बस बड़ी मेहनत से मैंने ये वीडियो बनाई है, तो प्लीज़ आप भी ज़रा थोड़ी सी मेहनत से मेरी वीडियो ज़रूर देखें। तो देखिए बस मैंने ये वाले बॉक्स हैं, ये 4 वाला मेरे पास ये बने हुए कैबिनेट सा ना, एक में मैंने ये ऐसे लिपस्टिकें रखी हुई हैं, एक में किटें वगैरह रखी हुई हैं, एक में आई शेडो वगैरह रखे हुए हैं, ऐसे बस ऐसे ऑर्गेनाइज किए। देखिए अब उतार के अब कलर दिखाएगी, नीचे वाला कलर अभी गीला था इतना सही उतर नहीं रहा अभी, तो इस चीज़ कह रही थी मैं बाद में दिखाऊंगी। ये लिपस्टिक है मेरे पास, इसमें जी पीसी वाली जो मेरे पास किट थी उसके साथ 12 वाला पैक था, जो वो है मेरे पास लोरियन वालों की है, मेडोरा वालों की हैं, फिर उसकी क्या कहते हैं मैक वालों की भी हैं, और कुछ वाइट से भी आई थी मुझे गिफ्ट वो हैं। तो ये सारे बहुत ज़बरदस्त लिपस्टिकों के शेड है और हर तरह के कलर है मेरे पास। तो कुछ लिपस्टिक ऐसे शेड है जिनके ना कवर मेरे से गुम हो गए हैं, तो कवर के बगैर तो जाहिर है फिर वो ख़राब हो जाती, कुछ फेंक देती, लेकिन कुछ ऐसी रखी हैं जिनके मैं शेड मंगवाना चाह रही हूँ लेकिन वो शेड मुझे मिल नहीं रहा। तो ये देखिए जी, ये लोरियन वालों के, मेडोरा वालों के भी हैं, पीसी वालों के भी हैं, तो रिवाज वालों के भी हैं, डिफरेंट जो भी मुझे अच्छा लगता है मैं ले लेती हूँ। तो मैं वो आपको दिखाऊंगी जो ज़्यादा मैं यूज़ करती हूँ, और कोई भी लिपस्टिक मैं आउटलाइन के बगैर पेंसिल वगैरह बस पेंसिल या कोई आउटलाइन ब्रश लगा के फिर ही मैं लिपस्टिक लगाती हूँ। ये देखिए ये सारे शेड हैं,
बाकी तो मैंने फेंक दिया, लेकिन उनका ढक्कन गुम हो गया। अब आज मैंने निकाला, मैं कब से ढक्कन ही नहीं है। तो बच्चियाँ जब यूज़ करें तो फिर वैसे कर लेती हैं। ये दो लिपस्टिक हैं जिसको मैं ज़रूर यूज़ करती हूँ। तो ये जी बाकी मेकअप है जो मैं ड्रेसिंग में रखती हूँ, जो मैं रोज़ के रोज़, यानी कि जब कभी कोई मेहमान आए या थोड़ा सा तैयार होना हो तो फिर इसको यूज़ करते हैं। तो बस ये लिपस्टिक निकाल के आपको दिखाऊंगी मैं। ये टेबल, ड्रेसिंग टेबल जो मैंने ऑर्गेनाइज किया हुआ है, जिस पर मैंने मुश्किल चीज़ें हमारी पड़ी होती हैं जो वो हैं। तो अब ये नेल पॉलिश है, मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। तो इसमें रिंग वगैरह भी हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊँगी। तो साथ साथ आप इसको देखिए और म्यूज़िक को भी इंजॉय करें। तो ये देखिए जी, ये रिंग वगैरह है उसके पास काफ़ी। तो ये भी मैं बाद में आपको दिखाऊंगी। ये नेल पॉलिश हैं, ये देखिए जी, नेल पॉलिश भी इसके पास बहुत ज़्यादा हैं। ये जो स्मॉल वाली हैं वो भी हैं जिसमें ग्लिटर होता है, ये दूसरी नेल पॉलिश है। तो बस मैं ये डिस्प्ले पे रखती हूँ, साथ साथ आपको दिखाती जाऊँगी थोड़ी सी लगा के। बस आप देखते जाएं और पसंद करें कि आपको कौन कौन सी अच्छी लगी हैं, ये नेल पॉलिश और रिंग जो है।